Hello students, I welcome you all to today's session. I hope everybody is doing perfect at their places. So, students, today's topic is celebrating with others. Dusro Kesat, Manana, badna. Learning topics Independence Day, Republic Day, Gandhi Jayanti, Dashera, Diwali, guru Gurupurab, Christmas, Eid, Bihu, Holi. India is a land of many festivals. To most people, especially for children, a festival means a holiday, joyous time to celebrate, going out, merry making, wearing new dresses, eating special dishes and sweets. तो जैसा कि हम सबको पता है कि भारत ऐसा देश है जहाँ पे बहुत सारे अलग-अलग टाइप -अलग के त्योहार मनाए जाते हैं। बच्चों के लिए त्योहार का मतलब है छुट्टी। छुट्टियां मनाना बाहर जाना घूमना खुशियां बांटना स्वीट्स खाना चॉकलेट्स खाना और अलग अलग नए नए कपड़े पहनना सम फेस्टिवल्स आर सेलिब्रेटेड ऑल ओवर द कंट्री एंड सम इन सर्टेन स्टेट्स ओनली सम फेस्टिवल्स आर रिलीजियस एंड सम आर कल्चरल एंड हार्वेस्ट फेस्टिवल्स सम फेस्टिवल्स आर लिंक एनिवर्सरीज ऑफ ग्रेट पर्सनैलिटीज तो अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं कुछ धार्मिक होते हैं कुछ राष्ट्रीय त्यौहार होते हैं कुछ ऐसे फेस्टिवल्स होते हैं जो हमारी जो ग्रेट पर्सनैलिटीज हैं हमारी कंट्री की उनकी बर्थ एनिवर्सरी से रिलेटेड होते हैं The national festivals are celebrated throughout the country. These are Independence Day, Republic Day, and Gandhi Jayanti. On these days, all offices, schools, and markets are closed as a mark of respect. Indians celebrate festivals such as the Shera, Diwali, Holi, Eid. क्रिसमस एंड गुरुपुरब विद ग्रेट पॉम्प एंड शो तो हमारे देश में अलग अलग टाइप के फेस्टिवल्स होते हैं नेशनल फेस्टिवल्स जो होते हैं वो हमारी कंट्री में थ्रू आउट मनाए जाते हैं सारे लोग मनाते हैं इ रिस्पेक्टिव ऑफ द स्टेट सिटी टाउन एंड रिलीजन उसके बाद आते हैं आपके रिलीजियस फेस्टिवल्स जो कि होते हैं धार्मिक जो सर्टेन ग्रुप ऑफ पीपल होते हैं जैसे मुस्लिम्स की ईद होती है जो हिंदूज होते हैं उनके दशहरा होते हैं पंजाबीज का गुरुपुरब होता है क्रिश्चियंस का क्रिसमस होता है तो इन्हें कहा जाता है रिलीजियस फेस्टिवल्स। इंडिपेंडेंस डे यू मे पर इंग्लैंड यूज टू रूल आर कंट्री इट यूज टू मेक रूल्स एंड लॉज फॉर अस आर पीपल डिड नॉट हैव एनी से इन दीज मैटर्स आर फॉर फादर्स डिड नॉट लाइक दिस They wanted to end the foreigners' rule. They fought for this. The foreigners were not ready to leave their rule. Thus, there was a struggle between our people and the foreigners. Finally, our people won and we got freedom on 15th August 1947. That day is celebrated as Independence Day. We celebrate this day every year. National flag is hoisted in schools and games and sports are organized. In the state capitals, the governor or the chief minister hoists the flag.

इस दिन हमारे जो इंडिया की कैपिटल है न्यू दिल्ली वहां पे हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो तिरंगे को लहराते हैं और देश को संबोधित करते हुए स्पीच देते हैं जो स्टेट्स की कैपिटल्स है वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर्स हैं वो फ्लैग को हॉइस्ट करते हैं रिपब्लिक डे आफ्टर वी गॉट इंडिपेंडेंस आ पीपुल मे समिपल्स एंड रूल्स फॉर मेकिंग लॉज दीज आर रिटन इन अ बुक This book is called the Constitution of India. We started executing these rules on 26th January 1950. Republic Day is celebrated in the memory of that occasion. In every state capital, parades and functions are held to celebrate this day. The biggest function is held at Kartavya The President of India takes the salute. Soldiers, school children and folk dancers from every part of the country take part in the parade at the end there is a flypast of the aeroplanes the whole function is very colourful those who live in delhi must have seen it other children living anywhere in the country must have seen the parade on television republic day hari salhamari desh me chabish janvarikomanay is then 1950 ko कॉन्स्टिट्यूशन लागू हुआ था यानी कि एक किताब है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया जिसमें कि हमारे देश के प्रिंसिपल्स सिद्धांत एंड रूल्स एंड रेगुलेशंस मेंशन किए गए हैं यह हर साल 26 जनवरी को मनाया जाता है इस दिन हमारे देश में दिल्ली में स्थित कर्तव्य पथ पर अलग अलग परेड्स होती हैं अलग अलग स्कूल के बच्चे पार्टिसिपेट करते हैं सोल्जर्स की परेड निकलती है फोक डांसेस होते हैं और साथ ही साथ आखिरी में एक फ्लाई पास्ट होती है जिसमें कि एरोप्लेन्स ट्राई कलर को दिखाते हैं गांधी जयंती मेनी पीपल People made sacrifices to make India free. Mahatma Gandhi was a great leader who helped people to fight against the foreign rule. He also fought against many bad practices which were common in our society. He was against untouchability. He was also against the bad treatment given to our women. He wanted to abolish poverty, disease, and illiteracy of the people of the country. He wanted that people of our country should unite to fight the evils in the country. Some people did not like his efforts. Finally, he had to sacrifice his life. Truly, he was a great man of our country. Gandhi Jayanti is observed in the country on the birthday of Mahatma Gandhi, which falls on 2nd October every year. Prayers are held, and many new schemes for the welfare of the people are launched on. दिस डे गांधी जयंती जो हर साल हमारे देश में सेकेंड ऑफ अक्टूबर को मनाई जाती है इस दिन गांधी जी के सेक्रीफाइस को याद किया जाता है इस दिन देश के अलग अलग कोनों में प्रेयर्स ऑफर होती हैं जितनी भी वेलफेयर स्कीम्स हैं वो भी इसी दिन लॉन्च करी जाती हैं क्योंकि हमारे देश के इंडिपेंडेंस में गांधी जी ने सपोर्ट किया था उनका बहुत बड़ा हाथ था दशहरा The Sehra is an important Hindu festival. It is celebrated for 10 days. Ram is staged for 9 days. On the 10th day, the effigies of Ravana, Kumkaran, and Meghnath are burnt on a big ground. The Sera marks the day when Lord Rama killed Ravana, the demon king of Lanka. The Sera is also known as Vijay Dashmi because it marks the victory of good over evil. So Deshara is the Hindu festival. दसवें दिन में रावण मेघनाथ और कुंभकर्ण के बड़े बड़े पुतले बनाकर उनको जलाया जाता है माना जाता है कि दसवें दिन राम जी ने रावण को मार गिराया था और बुराई पे अच्छाई की जीत हुई थी दिवाली Diwali comes 20 days after the Sahira. It marks the return of Lord Rama to Ayodhya after 14 years of exile. Diwali is called the festival of lights. People clean their homes and shops and decorate them with small electric bulbs. Children burst crackers, people exchange greetings, they worship Lord Ganesha and goddess Lakshmi. Businessmen and traders celebrate Diwali as a New Year day. Diwali is a festival of fun and joy. So Diwali teak the 20 दिन के बाद आती है इस दिन माना जाता है कि 14 साल के वनवास के बाद राम जी वापस अयोध्या में आए थे तो इसी दिन लोग अपने घरों को दुकानों को साफ करते हैं लाइट से चमकाते हैं सजाते हैं स्वीट्स बांटते हैं नए नए कपड़े पहनते हैं और पटाखे भी फोड़ते हैं गुरुपूर्ब गुरु पूर्व आर मेनली द डे ऑफ द टेन सिख गुरु द होल कम्युनिटी दर्ल्ड लंगर और होली फूड इज डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन दीज डेज थाउजेंड ऑफ पोअर पीपल गेट फ्री मील ऑन दीज ऑस्पिशियस डेज तो गुरु का फेस्टिवल होता है ये अपने दस जो सिख गुरुज थे उनके याद में इस फेस्टिवल को मनाते हैं बड़े बड़े प्रोसेशन होते हैं गुरुद्वारे में प्रेयर्स ऑफर करी जाती हैं और कॉमन किचन से हर कोई खाना खाता है जिसको तो लंगर कहा जाता है क्रिसमस क्रिसमस इज सेलिब्रेटेड ऑन 25th दिसंबर एवरी ईयर बाय द क्रिस्चियंस इट मार्क्स द बर्थ एनिवर्सरी ऑफ जीसस क्राइस्ट क्रिश्चियंस डेकोरेट दर हाउसेज विथ स्मॉल ब्यूटिफुल एक्समस ट्रीज दे गो टू द चर्चेज एट मिड नाइट टू ऑफर स्पेशल प्रेयर्स द एक्सचेंज ग्रीटिंग मैरी क्रिसमस तो क्रिसमस क्रिश्चियंस के द्वारा मनाया जाता है ये सर्दियों में 25 दिसंबर को मनाया जाता है इस दिन ये लोग क्रिसमस ट्री लाते हैं उसे डेकोरेट करते हैं चर्च में जाके प्रेयर की ऑफरिंग करते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं और माना जाता है कि सेंटा क्लॉज आके बच्चों को गिफ्ट दे जाते हैं एक दूसरे के गले लगते हैं और कहते हैं मेरी क्रिसमस Eid. It is the most important festival of the Muslims all over the world. Namaz is offered in the mosque. People embrace each other and say Eid Mubarak.

बीहू इज द चीफ डांस फेस्टिवल ऑफ असम इट इज सेलिब्रेटेड थ्री टाइम्स अयर द टाइम ऑफ क्रॉपिंग सीजन अशरिंग ऑफ द न्यू ईयर एंड एट हार्वेस्ट टाइम इन द बिहू डांस बॉइज एंड गर्ल्स सिंग एंड डांस द होल नाइट तो बीहू असम का एक सबसे इम्पॉर्टेंट डांस फेस्टिवल है कि साल में तीन बार मनाया जाता है क्रॉपिंग के टाइम पे अशरिंग जिस टाइम पे न्यू ईयर होती है उस टाइम पे और हार्वेस्ट के टाइम पे इस टाइम पे जो लड़के और लड़कियां होती हैं वो रात भर स्पेशल डांस को करती हैं holi it is mainly celebrated in north india it is a festival of colors it is celebrated during the month of march when the weather is neither hot nor cold at this time wheat gram mustard and millets are ripe for harvesting सिंग एंड डांस दे थ्रो कलर्ड पाउडर गुलाल एंड वॉटर ऑन ईच अदर तो होली एक रंगों का त्यौहार होता है ये उस टाइम पे आता है जब ना ज्यादा सर्दी होती है ना ज्यादा गर्मी होती है ये सर्दियों के खत्म होने के बाद गर्मियों की शुरुआत का टाइम होता है इस टाइम पे काफी अलग अलग टाइप के क्रॉप जैसे कि आपके मिलेट्स हो गए या फिर वीट हो गया वो भी हार्वेस्ट होते हैं लोग एक दूसरे को कलरफुल पाउडर लगाते हैं जिसको गुलाल कहते हैं स्टूडेंट्स हिस्टर कम्स द एंड ऑफ दिस चैप्टर आई होप आपको काफी सारे फेस्टिवल्स के बारे में आज इन्फॉर्मेशन जरूर मिली होगी इसकी जितनी भी एक्सरसाइजेस है यू हैव टू डू इट योर